गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज जानते हैं बच्चों, हम लोग एक बेसिक चीज़ शुरू करेंगे, एक ऐसा चैप्टर जो सभी तरह के एग्ज़ाम्स में कॉमन है। और इसके जो सवाल हैं वो ना केवल 10th में, 11th और 12th में पूछे जाते हैं, बल्कि मैथ का जहाँ तक एग्जिस्टेंस है, जनरल कॉम्पिटिशन्स में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें इसका सवाल जरूर पूछा जाएगा। और वो पार्ट है आज जो हम लोग करने वाले हैं एकदम बेसिक से, वो है हमारा, आज शुरुआत करेंगे ट्रिगो का, ट्रिगोनोमेट्री। पूरा नाम है इसका ट्रिगोनोमेट्री, ऐसे प्यार से लोग इसको ट्रिगो कह दिया करते हैं, ठीक है, प्यार से ट्रिगो कह दिया करते हैं, हालांकि इसका पूरा नाम जो है वो ट्रिगोनोमेट्री है। तो इसको जानते हैं हम लोग, एकदम ऐसा पढ़ेंगे जैसे किसी बच्चे ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं हो इसके बारे में। इसके कंसेप्ट को इतने बेसिक से शुरू करेंगे जैसे एक एकदम नया बच्चा भी समझ सकेगा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, और उसके कंसेप्ट के डिटेल्स एकदम आसानी से हलवे वाले भाषा में सीखेंगे, एकदम झकास वाली भाषा में, ठीक है। पढ़ा तो आपने बहुत बार होगा, ट्रिगोनोमेट्री को देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो को पूरी देख करके देखिए। अगर आपकी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं बदल गई तो फिर बोलिएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बेसिक पे रहेंगे, इसकी बेसिक से लेकर के एडवांस तक की हर डिटेल को हम लोग एक एक करके और थोड़े थोड़े करके देखेंगे। देखिए, इस ट्रिगोनोमेट्री का जो एग्जिस्टेंस था वो इंडियन कल्चर में बहुत पहले से इसका एग्जिस्टेंस था। हमारे ग्रंथों में इसकी चर्चा बहुत पुरानी मिलती है, हालांकि इसको रिकॉग्निशन तब मिली जब पाइथागोरस थ्योरम आया। तो देखिए, पूरी जो ट्रिगोनोमेट्री है बेसिकली वो एक ट्रायंगल पर आधारित है, और उस ट्रायंगल का नाम है, उस ट्रायंगल को आप लोग कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आप सभी ने तो नाम सुना होगा जरूर, जिंदगी में जिसने भी मैथ को छुआ वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में जरूर जानता होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि उसमें एक एंगल फिक्स होता है कि वो 90 डिग्री होगा या राइट एंगल होगा, बाकी दो एंगल्स हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं। मान लिया जाए कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, जिसमें से अगर ये 90 डिग्री अकेले हो गया तो बाकी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। इसलिए इन दोनों को कहा जाता है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहा जाता है? अगर जो दो एंगल हों और उनको जोड़ करके 90 डिग्री हो जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और यहाँ भी हमने देख रहे हैं कि 90 के अलावा बाकी जो दो एंगल हैं उनको जोड़ेंगे तो 90 आता है, तो कह देते हैं इसका भी गुण जो है वो मिलता जुलता है, इसके भी जो लक्षण हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका भी नाम रख दिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ एग्जिस्ट करता है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है पाइथागोरस थ्योरम। वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को और राइट एंगल ट्रायंगल को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फिर आ गया कॉम्प्लीमेंट्री नाम का वर्ड। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का एग्जैक्ट एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है वो पहले हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, सॉरी, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू
sides, then the angle opposite to, longer side या longest side कर देते हैं, longest size is right angled. देखिए एक एक करके बात को समझते हैं, लंबे चौड़े बयान हमने लिख लिए, अब इसको समझना है. बोला कि किसी भी ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका जो स्क्वायर होगा, अगर वो अदर दो साइड्स जो हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर हो गया, तो जो लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल होगा वो राइट एंगल होगा. यानी कि जो अगर ये एक लॉन्गेस्ट साइड है तो इस लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर को जोड़ें, ये लॉन्गेस्ट साइड मान लिया यहाँ पर ए सी है, उसके स्क्वायर को अगर हम इधर ए बी, अदर दो साइड है ए बी और ए सी, इसके स्क्वायर के साथ जोड़ दें और दोनों इक्वल आ जाए, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि एंगल बी इज़ राइट एंगल्ड, एंगल बी इज़ राइट एंगल्ड. ये स्टेटमेंट था पाइथागोरस थ्योरम का, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था. हम लोग पढ़ते बहुत सारे तरीके से हैं लेकिन एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है. उन्होंने ये कोई हाइपोटेन्यूज, कोई परपेंडिकुलर, कोई बेस नाम नहीं दिया था. धीरे धीरे करके हमने क्या किया, उसका नाम खोजा, उसको नाम दिया परपेंडिकुलर होगा इसका नाम बेस होगा इसका नाम और हाइपोटेन्यूज होगा, हमने दिया है उसके बाद दिया है. अब चलिए हम लोग जब पाइथागोरस पढ़ रहे हैं, राइट एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल को के सभी टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं. ये टर्मिनोलॉजीज आप समझिएगा, इसको गौर से देखना है, ठीक है, सबको देखना है गौर से. ये 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट वाला जो साइड है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है. 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है और उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है. जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको कर्ण कहेंगे, इसका नाम कर्ण होता है. और इसके साथ इन दोनों बाकी साइड्स में कोई भी एक बेस हो सकता है और कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकता है. एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, नाम होगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको पी से डिनोट करेंगे. लेकिन कौन होगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसको गौर से देखिएगा कि कैसे मानेंगे. हम लोग कभी कभी ये सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, हम लोग को आसान बनता है कि अरे जो नीचे है उसको बेस मान लो और जो खड़ा है उसको परपेंडिकुलर मान लो. लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं. अगर हमने एंगल यहाँ पे लिया है इसके रिस्पेक्ट में, इस थीटा के या कहले सी के रिस्पेक्ट में लेना चाहें, तो जिस एंगल के भी रिस्पेक्ट में लेते हैं उसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है. अगर हमारा यहाँ पर एंगल सी होगा तो हमारा परपेंडिकुलर ए बी होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो एक और बच गया वो बेस होगा. लेकिन अगर यही चीज़ हम एंगल ए के लिए ले लें तो ए के सामने तो ये वाला पड़ता है, ये वाला साइड आपके अपोजिट में आता है, तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. इसको आप गौर से देखिएगा, आपके क्वेश्चंस भी इस पे अराइज होते हैं, एंगल शिफ्टिंग के, एंगल इंटरचेंजिंग के बारे में क्वेश्चन भी अराइज होते हैं. अगर एंगल को इंटरचेंज कर दिया जाए तो फ़र्क पड़ जाता है उन दोनों के बीच में. तो यानी हम लोग ये डिसाइड करेंगे एंगल को देख करके कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है. लेकिन हाइपोटेन्यूज जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसके बारे में ये क्लियर है कि अगर राइट एंगल में जहाँ 90 डिग्री का एंगल है उसके जस्ट अपोजिट वाला, उसके सामने सामने जिसका घर है ना, जिसके आमने सामने दरवाजे हैं, घर है, वो जो है उसका हाइपोटेन्यूज या कर्ण कहलाएगा. बाकी ये आधार और ये लंब, ये आधार और लंब एक दूसरे से स्वैप करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वो डिपेंड करेगा कि एंगल कौन सा है. जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और एक और जो बच गया उससे लगा हुआ, उससे एडजेसेंट में एक और साइड जो बचा हुआ है उसको बेस कह देंगे, ठीक है. ये सारे टर्मिनोलॉजीज था. तो अभी अगर हम इस थ्योरम को
पाइथागोरस पर लगाना चाहें तो वो क्या कहता है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमने कहा एच है, उसके स्क्वायर अगर बाकी दो साइड रेस्पेक्टिव ऑफ बट दे आर कि उन दोनों के सम के इक्वल हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पहचान है राइट एंगल ट्रायंगल की। कैसे पहचान होगा कि दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट? तो वो पहचान होगी उसके भुजाओं की, अगर किसी भी दो छोटी भुजा के स्क्वायर को जोड़ने पर, अगर किसी भी दो छोटी भुजा के स्क्वायर को जोड़ने पर अगर बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो वो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा, वरना नहीं होगा। होगा तभी होगा जब वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा वो ट्रायंगल राइट एंगल्ड होगा, और जो राइट एंगल्ड होगा वो जरूर से ज़रूर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्रायंगल है 3 सेंटीमीटर, एक उसका साइड है, दूसरा 4 सेंटीमीटर और तीसरा 5 सेंटीमीटर। ये 3 साइड्स एक ट्रायंगल के हैं। इसको पहचानना है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो हमको क्या करना है कि सबसे बड़ा वाला को हटा देना है, सबसे बड़े वाले को हटा के दो छोटे वाले ट्रायंगल है उनका स्क्वायर करना है, उनका स्क्वायर करके जोड़ना है। आ गया 25। अगर ये 25 जो आया है वो सबसे बड़े वाले ट्रायंगल का स्क्वायर है तो आप समझ जाइए यस दिस इज राइट एंगल्ड, यस दिस इज राइट एंगल्ड। अदरवाइज अगर नहीं आया, बड़ा आ गया या छोटा आ गया या बराबर नहीं आया, तो आपको एकदम ताल ठोक के कह देना है दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो हो वो एक्यूट एंगल्ड हो या ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो, लेकिन ये राइट एंगल्ड बिल्कुल भी नहीं है। अभी फिर हम लोग तुरंत पढ़ते हैं कि अगर ये बराबर ना हो तो उसमें से कैसे पहचान में आएगा कि वो न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। यानी इसके उपपत्तियों को, इसके थ्योरम्स के जो डेरिवेटिव्स है उनके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के डेरिवेटिव्स को। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ एक ये बात कहता है कि अगर किसी भी दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर को जोड़कर सबसे लॉन्गर साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। लेकिन बाद में ये बात भी ऑब्जर्व की गई, इससे रिलेट किया गया कि अगर ये बराबर ना हो करके, इक्वल ना हो करके लेस और ग्रेटर हो तो क्या होगा। तो ऐसा देखा गया कि अगर किसी दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर्स को जोड़कर तीसरे के साइड के स्क्वायर से कम आए, ज़्यादा आए किसी दो को जोड़कर तीसरे के स्क्वायर से ज़्यादा आए तो आप समझ लीजिए कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एग्जाम्पल आपके सामने एकदम झकास सा रखा हुआ है, पढ़ना एकदम कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज़ समझनी है, अच्छे से समझनी है। और ख़ास इसका उल्टा हो, अगर दो स्मॉलर साइड्स जो हैं 3 और 5 उसके स्क्वायर को जोड़े और सबसे लॉन्गर साइड के स्क्वायर से कम आया, उसके बावजूद भी कम आया, तो इस पोजीशन में आप इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं। इसके बाद आपको ये पता करना है, आपको याद रखने का टेक्निक बता रहे हैं। अगर ग्रेटर देन, दो बड़ा है एक से, अगर दो बड़ा है एक से तो एक्यूट एंगल, अगर दो छोटा है एक से तो ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर दो के बराबर एक है, अगर दो के बराबर एक है तो राइट एंगल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर दो के बराबर एक है तो राइट एंगल, अगर दो बड़ा है एक से तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल, और दो से बड़ा एक तीसरा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरह से इसको ध्यान से अच्छे से याद रखना है। ये डेरिवेटिव था पाइथागोरस थ्योरम का, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है इस थ्योरम पर, इक्वल वाले थ्योरम पर। ये मेन थ्योरम है पाइथागोरस का, और इसी से हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिस का पता चलेगा, इसी में हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेसन्स कंप्लीट होंगे। तो हमें जो मेन फोकस रखना है वो इस थ्योरम पर रखना है, जहाँ पर किसी भी दो स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर को जोड़ने पर सबसे लॉन्गर साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो
तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है. एंड होल द ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड अपॉन द राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स और तीन एंगल के बीच में रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बीच के रेशियो को पढ़ते हैं. बेसिकली हुआ क्या कि जब एक एंगल को फिक्स कर दिया गया 90 डिग्री और बाकी देखा गया बिना इस एंगल को चेंज किए हुए, जब इसके साइड्स को बढ़ाया गया तो ऐसा देखा गया कि उनके बीच का रेशियो बिल्कुल सेम आता है. एंगल को अगर चेंज ना किया जाए, बाकी दो एंगल को चेंज ना किया जाए, तो देखा गया कि उनके साइड्स के बीच का रेशियो बिल्कुल सेम आता है. तो इसी के आधार पर पूरे ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्म किया गया. हमारे एंशिएंट हिंदी इंडियन कल्चर में इसके ट्रेसेस मिलते हैं और ये हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है. आप सभी के एग्ज़ाम्स की सबसे पहले शुभकामनाएं. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक लेसन शुरुआत करेंगे और आपको इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा अगले वाले वीडियो में, क्योंकि वहाँ पर हम लोग एक फंडामेंटल शुरुआत कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री का. यहाँ तो हमने थ्योरम्स देखे और देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का एग्जिस्टेंस क्या है और वो कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, और उसके आसपास की बातें थोड़ी थोड़ी हमने जानी, ताकि हमारा दिमाग में क्या है ना एक इन्वायरमेंट बन जाए ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, और हम लोग मज़े से सीखें. किसी भी चीज़ को जो है ना एकदम मज़े लेके सीखना है. और हमारा इस चैनल के माध्यम से प्रयास यही है कि सभी बच्चे इंटरेस्ट लेकर के, मज़े लेकर के कोई चीज़ को सीखें. तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही काम की वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं. और इस वीडियो को लाइक करके, इसे शेयर करके अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर पहुँचाइएगा. मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में. तब तक आप सभी का दिन शुभ हो और आप लोग सफलता की ओर लगातार अग्रसर हों.